सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और गाइस यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के बारे में और फंटच ओएस 12 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाई लोग बहुत सारे लोगों के पास जो है फंटच ओएस 12 का फोन है और जिसमें जो है खास करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो हम जो थीम्स है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी थर्ड पार्टी थीम्स को हम जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है यूजर्स को देखने को मिल रही है, क्योंकि यार देखो एक ही चीज़ के साथ इंसान कब तक जो है मतलब एक फ़ोन है, फ़ोन में यार एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ देख के इंसान बोर हो जाता है। ठीक है, तो थीम्स चेंज होने से कुछ ऐसा होता है कि यार थोड़ा बहुत जो डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे वीवो वालों ने इस बार पता नहीं क्या किया है कि यार हमारे जो फ़ोन में थीम्स को पहले DWD के फोल्डर में जाके अप्लाई होती थी, वहाँ से थीम्स अप्लाई ही नहीं हो रहे। मेरे पास वीवो का फ़ोन है, वीवो V23 Pro, और उसमें तो यार थीम्स अप्लाई ही नहीं हो रहे। मैंने सारे ट्रिक्स जो है फॉलो करके देख ली, वहाँ पर कोई भी ट्रिक्स नहीं काम की। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं करेगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके लिए अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गाइज देखो आपको करना क्या होगा, जैसे कि देखो गाइज वीवो किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वीवो कंपनी पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम में आने स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला था। जैसे हमारे पास वीवो V11 Pro फ़ोन आया था, वहाँ पे फंटच ओएस 9 को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे में हुआ क्या था कि हमने फीडबैक किया था, तो ये जो ट्रिक है वर्क भी करती है। ठीक है, फीडबैक किया था और वहाँ पे हमने जो है सारी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई, और मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं हुआ। भाई आप लोगों को अपने फ़ोन से फीडबैक करना रहेगा, मैं खुद अपने वीवो के V23 Pro से कर दूंगा। ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ सिंपल सा लिखना कि FunTouch OS 10 Themes Not Working। ठीक है, थर्ड पार्टी थीम्स नॉट वर्किंग, आपको इतना ही लिखना, जो भी आप अपने हिसाब से जितना अच्छा बेहतर समझा सकें वैसे आप जो समझाइएगा। ठीक है, बस कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ गाइज। एक फोल्डर रहता है वीवो के फ़ोन में सभी का वीवो नाम से, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो, XFM कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट यूजर्स लिख सकते हो और फीडबैक का भी ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पे सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सपोर्ट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूजर्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से कांटेक्ट करके इनके मेल पे भी आप जो मेल कर सकते हो, ठीक है, मेल कर सकते हो और साथ ही यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। यहाँ फीडबैक पे जाके तो यहाँ पे देखो स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा वो कर रही है, ब्राइट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप जो यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इससे रिलेटेड नहीं है तो अलग है, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो फीडबैक है वो लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी थीम्स, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो थर्ड पार्टी थीम्स नॉट वर्किंग ऑन FunTouch OS 12, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, आपको इतना लिखना है। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है थीम्स स्टोर में जाके, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट डाल के सेंड कर दो। ठीक है, अप्लाई अपेयर ओनली वंस या अपेयर, ठीक है, अपेयर एवरी टाइम। ठीक है, तो आप इस पे लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करके किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से सेंड कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा फीडबैक है वो चला जाएगा वीवो वाले के पास। ये मेरे पास अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने डिवाइस से भी करना रहेगा। ठीक है, जिस डिवाइस में, तो जितनी ज़्यादा इनके पास फीडबैक जाएंगे तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसके आने के बाद हमारे थीम्स स्टोर में एक अपडेट दे देंगे यहाँ पे, जिसमें जो थीम से वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की तो यार फटाफट से करो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल ऐसे ही सॉल्व हो सकती है। एनीवे अगर नहीं होता कुछ तो उसके लिए भी यार कोई ना कोई तोड़ा निकाल लेंगे, फिलहाल आप ये करो। आई होप कि वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।